देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी और माता राजमाता कृष्णा पटेल जी एक बहुत बड़े ट्रांसफार्मर हैं, और ये ट्रांसफार्मर अपने लोगों में एक ऊर्जा पहुंचाने का काम कर रहा है, अपने लोगों के बीच में जाने का काम कर रहा है। और ये रथ यात्रा अभी रुकेगी नहीं, 2022 में ये रथ यात्रा अपनी सरकार बनाने वाली। क्या कारण रहा कि आज अपना दल कृष्णा पटेल जी की पार्टी समाजवादी के साथ गठबंधन कर ली? देखिए कारण ये रहा है कि आने वाले समय में हमारे एक समांतर विचारधारा है, जिसकी समांतर विचारधारा है उसी के साथ में हमारा गठबंधन हो, ऐसा हमारा पहले से विचार था। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी भी ऐसे लोगों के ही विचारधारों पे चलने वाले हैं। आगामी चुनाव में क्या कहता है मड़ियाहूँ? मड़ियाहूँ बस कह रहा है कि बस अपनी सरकार आएगी 2022। क्या लगता है कि किसके पल्ले में जाएगा अगर गठबंधन हुआ? हाँ, तो क्या प्रयास क्या लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी या अपना दल? देखिए ये तो कहना मुश्किल है अभी कि खाता पटेल जी की कर्मभूमि रही है मड़ियाहूँ। बिल्कुल जी, तो इसको आप लोग कहेंगे कि पल्ले में आए कम से कम? देखिए हमारी पूरी चाहत है और लगभग ये तय भी है कि ये अपना दल खाते में ही आएगी ये सीट जी। अब आगे के नेतृत्व में अपना दल के गठबंधन में चल रहा है सिस्टम, तो उसमें कुछ फेर बदल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं तो आने वाले समय में बताएंगे। कितने सीटों पर बात हुई है सर? देखिए अभी तक सीटें हमारी 10 से 15 के बीच में सीटें हमको मिलेंगी। उसमें कौन कौन सी सीटें रहने का अनुमान है? देखिए हर ज़िले में एक दो सीटें तो हमको मिलेंगी लगभग, जहाँ पे हमारा प्रभाव ज़्यादा है उस जगह पे हमको सीटें मिलेंगी। सर आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या विचार रखना चाहते हैं? विचार यह है कि सपा सरकार आएगी और अपना दल सपा गठबंधन हो चुका है, दोनों मिल करके सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम तो मड़ियाहूँ में होना है, मगर यहाँ स्वागत समारोह रखा, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि दरे जनता जितने संघ हैं सब दरे रोक करके माननीय मुख्यमंत्री जी का और माता कृष्णा पटेल का सबका स्वागत करते हुए वहाँ पहुँचे। क्या उम्मीद लगाई जाए 2022 तक? 2022 में सरकार बनाएंगी, एकदम बनाएंगे। सर मड़ियाहूँ में इस बार चूंकि गठबंधन है तो क्या लगता है टिकट वितरण किस प्रकार होगा? टिकट वितरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। हाँ। कल जौनपुर में जो सभा हुई है उसकी सफलता को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी सफलता में सरकार 2022 में चुनाव एकदम सरकार 400 सीट के आएगी जी। आपके शक्ति प्रदर्शन में कहीं ना कहीं टिकट की चाहत तो नहीं है? निश्चित तौर पर टिकट की चाहत है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और कमेरावादी का गठबंधन के बीच में हमको चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं, मड़ियाहूँ की जनता किस तरफ जा रही है? यहाँ की जो कार्यक्रम हो रहा है इसको देखते हुए मैं 5 वर्ष पीछे जा रहा हूँ। जो अयोध्या के राम थे वो अयोध्या के अंदर केवल श्री राम बन के रह गए, अयोध्या के जब बाहर निकले थे कमेरा समाज के उन्होंने हाथ मिलाया तो वो मर्यादा पुरुषों में राम बन के लौटे जी। आज यही कमेरा समाज इकट्ठा हुआ है, हर दल को है कमेरा समाज हमारे साथ आए, यही कमेरा समाज दोबारा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। आज माननीय अखिलेश यादव जी मड़ियाहूँ में आ रहे हैं जी, और जौनपुर की धरती पे ये दूसरा बड़ा संबोधन होने जा रहा है जी। कल की संबोधन की सफलता को देखते हुए आज क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जो लाइक क्लियर है सामने है, उसमें बताना क्या है? क्या भाजपा का जाना तय है, आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? देखिए ऐसा है कि हमारा 85% कमरे समाज है, 85% लगभग हम इकट्ठा हो रहे हैं जी। और 85 का 15-85 में आप मूल्यांकन कर लीजिए कौन आगे है कौन पीछे है जी। विगत सरकार की कुछ खामियां जो इस समय सरकार में है जी, खामियां तो आप रोज देखते हैं अखबार में, अखबार में पढ़ने वाले भी कम हो गए हैं, टीवी देखने वाले भी कम हो गए हैं, ये सब धरोहर हो गई है सरकार की। तो क्या लगता है आपकी सरकार अगर बन जाती है? हाँ। तो जनता को किस सबसे पहले कौन से मुद्दे में राहत मिलेगी? जब सरकार बन जाएगी तो हर मुद्दा कोई भी मुद्दा होगा जो शिक्षा से लेकर के
सड़क से लेकर के पानी से लेकर सब व्यवस्थाएँ सब ठीक हो जाएगी जी। धन्यवाद। धन्यवाद।